सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट 5 कैमरा सेटिंग्स के बारे में जो हर फोटोग्राफर को जो है मालूम होनी चाहिए। काफी सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो मुझे अक्सर नीचे कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर आपकी इमेज इतनी क्रिस्टल क्लियर शार्प और इतनी क्वालिटी वाली इमेजेस आप कैसे जो है अपलोड करते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो इसका कोई आप कोई सीक्रेट है या कुछ इस तरह की आप सेटिंग्स करते हैं? अगर करते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी कोई सीक्रेट नहीं है बट मैं आज आपके साथ कोई 5 वो जो इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी उन कैमरा सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छी और क्वालिटी इमेजेस आप अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और ये वीडियो हर बिगनर फोटोग्राफर या जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त हम आ गए हैं हमारे कैमरा के शूटिंग मेन्यू में। मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन, अगर आपके पास कैनन है तो भी सेटिंग्स यही है। तो बहुत कॉमन सेटिंग्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड वो होती है शार्पनिंग सेटिंग। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग है वो है शार्पनिंग सेटिंग्स। अब ये शार्पनिंग सेटिंग्स क्या होती है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने अभी आप देख रहे हैं सेट पिक्चर कंट्रोल, तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं या न्यूट्रल विविड मोनोक्रोम पोर्ट्रेट लैंडस्केप कोई भी आप ऑप्शन आप ले सकते हैं अपने शॉट के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट करने के बाद क्विक एडजस्ट में आपको दिखाई देगा शार्पनिंग कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस सैचुरेशन एंड ह्यू। तो यहाँ पे आपको जो सेटिंग रखना है पहला कैमरा सेटिंग वो आपको ये देखिए ये है 0 to 9 स्केल, तो यहाँ पे आपको ये रखना है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपके साथ चीज शेयर कर रहा हूँ, ये 0 क्यों रखना है फ्रेंड्स, इसका कारण ये है क्योंकि जब आप इमेज शूट करने के बाद एडिटिंग पे जाते हैं आपके पोस्ट प्रोडक्शन में, तो अगर आप यहाँ पे शार्पनिंग, कई फोटोग्राफर्स हैं जो 9 पे रखते हैं क्योंकि उनको जब इमेज शूट करते हैं तो इमेज काफ़ी क्रिस्पी नज़र आती है अपने इस एलसीडी स्क्रीन पे, लेकिन वो एक गलत प्रोसेस है। अगर आप इसको 0 रखेंगे तो आपकी इमेज में होगी शार्पनिंग 0। जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे इमेज के ऊपर काम करेंगे सारी इमेज की एडिटिंग करने के बाद लास्ट में आपको करनी है शार्पनिंग अपने पोस्ट प्रोडक्शन में, उससे ये होगा कि आपकी जो इमेज है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगी। अब जो हमारी दूसरी कैमरा सेटिंग है इंपॉर्टेंट वो है फ्रेंड्स चूजिंग राइट कलर स्पेस, यानी कि आपको जो कलर स्पेस है वो आपको करेक्ट कलर स्पेस चूज करनी है अपनी कैमरा में, फिर चाहे आप निकॉन यूज करते हो या कैनन। अब कलर स्पेस देखिए शूटिंग मेन्यू में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कलर स्पेस होती है, मैं अभी यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे sRGB और एडोबी RGB। अब sRGB बहुत सारे फोटोग्राफर जो हैं sRGB पे रखते हैं क्योंकि वो लोग JPEG पे शूट करते हैं अपनी इमेजेस। फ्रेंड्स, आप JPEG यूज कर रहे हो या फिर आप यूज कर रहे हो रॉ इमेजेस, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सेलेक्ट करें एडोबी RGB। अब क्यों आप इसे सेलेक्ट करें फ्रेंड्स एडोबी RGB, बिकॉज एडोबी RGB इसलिए कि ज़्यादातर फोटोग्राफर जो है अपनी इमेज प्रोसेसिंग के लिए या तो लाइट रूम यूज़ करते हैं या फिर फोटोशॉप इमेज को ट्रांसफर करने के बाद जो भी रिटचिंग करनी होती है, तो एडोबी RGB आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कलर गैमेट आपको वाइड मिलेगा और आपके पास जो आपकी इमेज को प्रोसेस करने में आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप sRGB चूज़ करते हैं तो बेसिकली sRGB फॉर्मेट हमें तब करना चाहिए जब हम अपनी इमेज को वेब कंटेंट यानी कि वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप एडिट जब करें तो आपके पास में जो है एडोबी RGB ही आपके कैमरा में कलर स्पेस होना चाहिए, और ताकि जब आप उससे प्रोसेस करें तो आपके पास में जो है बहुत सारे ऑप्शंस हों। sRGB में अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शंस आपको नहीं मिल पाते हैं दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखें कलर स्पेस आपकी होनी चाहिए एडोबी RGB। अब जो हमारी तीसरी कैमरा सेटिंग है फ्रेंड्स वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल फोटोग्राफी में, और मैं इसके ऊपर जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं जहां मैं आपको लाइव डेमो दूंगा और मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा कि वाइट बैलेंस आपको परफेक्ट कैसे अचीव आप कर सकते हैं। फिलहाल कैमरा सेटिंग्स के बारे में हम बात करें तो वाइट बैलेंस की कैमरा सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हर कैमरा बॉडी में वाइट बैलेंस की सेटिंग्स अलग अलग दी होती है, तो मैं अभी निकॉन D800E यूज कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। बट इसमें बहुत एक कॉमन सेंस वाली बात यह है फ्रेंड्स कि ज्यादातर फोटोग्राफर्स ऑटो वाइट बैलेंस रखते हैं, वो एक तरह का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लेकिन आप वाइट बैलेंस रखिए अपने उस हिसाब से कि आप जिस लाइटिंग कंडीशन में शूट कर रहे हैं उस हिसाब से आप वाइट बैलेंस रखेंगे, और फिर आप उसके अंदर कुछ 5-10 टेस्ट इमेजेस लीजिए और आप देखिए
कि आपका वाइट बैलेंस आपको ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर बिल्कुल ठीक नहीं मिल रहा है आपका तो फिर आप ऑटो पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी मेरी बॉडी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पर एक चूज कलर टेम्परेचर का भी ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ मैंने फिलहाल रखा हुआ है 5000 और आप देख रहे हैं यहाँ करीब 2500 केल्विन से 10000 केल्विन तक का कलर टेम्परेचर मैं चूज कर सकता हूँ। तो आप जिस लाइटिंग कंडीशन में है उस हिसाब से जो है आप अपना कलर टेम्परेचर को चूज कीजिए। जैसे कि अगर आप फ्लोरोसेंट में हैं तो फ्लोरोसेंट लाइट होती है उसका कलर टेम्परेचर एक अलग होता है, तो आप उस हिसाब से ही अपना कलर टेम्परेचर रखिए। और अगर आप बहुत फ्लैश यूज कर रहे हैं तो आप फ्लैश के हिसाब से कलर टेम्परेचर रख सकते हैं। अगर आपके कैमरा के अंदर चूज कलर टेम्परेचर का ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर आप जो है ऑटो पे शूट करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ऑटो से पहले आप जिस लाइटिंग कंडीशन में हैं उस लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से अगर आप ऑप्शन चूज करेंगे वाइट बैलेंस का तो आपको ज़्यादा अच्छी इमेज मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर वाइट बैलेंस आपका ख़राब भी हो गया है तो आप उसे ग्रे कार्ड की मदद से जो है पोस्ट के अंदर ठीक कर सकते हैं। वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, अगले इसी हफ्ते में आपको लेके आऊँगा उस वीडियो को, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग का, वो है हमारा चूज राइट फोकस पॉइंट्स। अब राइट फोकस पॉइंट से मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैंने अभी ये मेरा 80-200 का यहाँ लेंस लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फोकस पॉइंट है निकॉन में, मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ सिंगल या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटो। तो ये जो सिंगल फोकस पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपको तब रखना है जब आप स्टेशनरी सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, यानी कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो या एक ही जने को शूट कर रहे हो, जैसे कि पोर्टफोलियो शूट में होता है, हेडशॉट में होता है, ई कॉमर्स फोटोग्राफी में होता है, जहां आप अक्सर एक जने को शूट कर रहे हो, तो सिंगल फोकस पॉइंट जो है वो आपको परफेक्ट जो है आपको एक फोकस देगा, क्रिस्टल क्लियर आपकी जो इमेज है शार्पनेस के साथ में इमेज आपको मिलेगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हैं जहाँ पर 3-4 लोग एक साथ हैं तो आप ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑटो और सिंगल दोनों को यूज़ करें। सिचुएशन टू सिचुएशन, किस तरह की आप कंडीशन में शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फोकस सिंगल, यानी कि जब हम सिंगल शॉट ले रहे हैं तो हम सिंगल भी या फिर ऑटो में कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जैसे कि ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ, यहाँ कंटिन्यूस हो गया अभी ऑटो फोकस कंटिन्यूस, यानी कि जैसे मैं जब स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा हूँ या आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो आप यहाँ कंटिन्यूस मोड में भी आप इस अपने कैमरा को रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फोकस के पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि 3D मैट्रिक्स आपको मिल जाता है इसके अंदर, या फिर D51 यानी कि 51 फोकस पॉइंट है जैसे कैमरा में, वो कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है कि आपके कैमरा में कितने फोकस पॉइंट है, इसमें 51 है तो 51 भी आप चूज कर सकते हैं, या 21 फोकस पॉइंट, या फिर 9 फोकस पॉइंट, या फिर सिंगल शॉट। तो ये आपको बहुत इंटेलिजेंटली आपको काम करना है कि आप किस सिचुएशन में काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने फोकस पॉइंट्स को चूज कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इमेज क्वालिटी में जो है एकदम बहुत सारा फर्क आ जाएगा। अगर बहुत सारे फोटोग्राफर गलती कर देते हैं, वो कई बार हर जगह जो है इवन स्टेशनरी सब्जेक्ट में भी ऑटो यूज़ करते हैं, जो कि सही टेक्निक नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है आप किस तरह का फोटोशूट कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने फोकस पॉइंट को चूज़ कीजिए। तो ये थी हमारी चौथी कैमरा सेटिंग। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स पांचवी कैमरा सेटिंग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से देखिए। और ये मेरी जो कैमरा सेटिंग है ये है शूट इन मैनुअल मोड, यानी कि बहुत सारे फोटोग्राफर जो है अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करते हैं या शटर प्रायोरिटी पे या फिर ऑटो प्रोग्राम पे, वो सीखने के लिए ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको जो है मैनुअल मोड में ही शूट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे यहाँ जो कैमरा है, ये देखिए इस तरह से मैं अभी मैनुअल मोड में देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा तो आप देख पाएंगे ऑटो पे आ गया, अपर्चर प्रायोरिटी पे आ गया है, ये आ गया है शटर स्पीड प्रायोरिटी पे, और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो है ऑटो प्रोग्राम पे। तो आप शूट कीजिए मैनुअल पे। अब मैनुअल पे जब आप शूट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एक्सपोजर ट्रायंगल, यानी कि आपका शटर स्पीड, ISO और आपका अपर्चर। तो ये मैनुअल के अंदर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जब तक आप इस कॉम्बिनेशन पे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि आपका इमेज के ऊपर कंट्रोल आए। तो आप मैनुअल शूट में आप ज़रूर कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी मैनुअल किया है, लेकिन आपको शॉट के हिसाब से देखना है कि कितना शटर स्पीड रखना है, कितना आपको अपर्चर रखना है और कितना आपको जो है ISO रखना है। जब आप इन तीनों के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, शार्प और परफेक्ट लाइटिंग के साथ में आप उस इमेज को अचीव कर पा रहे हैं। तो ये थी आज की पांच कैमरा सेटिंग्स फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया जो आप ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले ध्यान रखना है शार्पनिंग सेटिंग का, फिर आपको ध्यान रखना है चूजिंग राइट कलर स्पेस, फिर आपको ध्यान रखना है राइट फोकस पॉइंट्स का, उसके बाद वाइट बैलेंस, और जो फिफ्थ है वो है आपका शूटिंग इन मैनुअल मोड। बट
ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर एक्सपोजर ट्रायंगल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीखा है पांच कैमरा सेटिंग्स किस तरह आपको करनी है। तो जल्दी से आप इन पांच कैमरा सेटिंग्स को अपनी नेक्स्ट शूट के अंदर अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी फोटोग्राफी क्वालिटी में या आपकी इमेज क्वालिटी में या आपकी फोटोग्राफी में कोई फर्क आया कि नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन, उसे जल्दी से प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी हमारा नया वीडियो रिलीज होता है आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता है कि आज हमारा नया वीडियो रिलीज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।